दिल्ली में जन्माष्टमी की धूम। सुबह से ही मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी दिल्ली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों से लेकर घरों में तैयारी पूरी हो गई है। दिल्लीवासी जन्माष्टमी पर द्वापर युग को साकार करने के लिए तैयार हैं। मंदिर प्रशासन से जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह में है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी मंदिरों की सुरक्षा में तैनात हैं, जो कि मंदिरों के आसपास से गुजरने वाले लोगों पर विशेष नजर रख रही हैं। साथ ही मंदिरों के आसपास सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। कई मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत मध्य व पुरानी दिल्ली के मंदिरों में भगवान कृष्ण को लेकर शोभा यात्रा से लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। कई मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। लुटियंस दिल्ली के मंदिर मार्ग के लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला में रविवार को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कृष्ण लीलाओं को दर्शाया गया था। शोभा यात्रा मंदिर मार्ग से पेशवा रोड, गोल मार्केट व बंगला साहिब रोड होते हुए मंदिर में पहुंची। इस दौरान रिहायशी कॉलोनियों के लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। शोभा यात्रा के दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। झांकियों में भक्ति गीत गूंज रहे थे, जिससे आसपास का माहौल भी भक्तिमय नजर आया। झंडे वाला देवी मंदिर आकर्षक लाइटों में झालर से सजा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग कृष्ण की झांकियों को देखकर भक्ति भाव में नजर आए। जैसे जैसे झांकी लोगों के करीब पहुंच रही थी, लोग जय जय कान्हा के उद्घोष कर रहे थे। इसी तरह प्रसिद्ध झंडे वाला देवी मंदिर आकर्षक लाइटों में झालर से सजा हुआ था। बिरला मंदिर में सुबह से विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। शाम के समय भजन कीर्तन होगा। रात को कान्हा का जब जन्म होगा, तब केक और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों व व्यंजनों से भोग लगाया जाएगा। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सेवादार भी तैनात किए गए हैं।